हाथ के गद्दे के ऊपर करी, जिसको बीच में पार्ट कट ऊपर कर किया गया और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ बैठकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए, उसको लेकर शिकायत हुई थी, जिसपे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सबकी जांच होगी। लेकिन बीच में जैसा कि पहले भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई, उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इस पर जांच भी की जाएगी। जो परिवार की तहरीर है और मांग है वो हमें प्राप्त हो गई है, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गोली से जो है युवक की मौत हुई है, ये हमें मिला है, इस पे ये जांच के दौरान ये सारे मामले आएंगे, जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। घायल भी कुछ लोग, हाँ दो लोग घायल, दोनों के घायल होने के भी है, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और परिवार को एश्योर किया गया है, परिवार मजदूर परिवार है, उसको आश्वासन दिया गया है कि जो भी समुचित सहायता होगी उनको हम प्रदान करेंगे। गांव में स्थिति कैसी है? ठीक है, गांव में स्थिति बहुत खराब नहीं है, सब कुछ सामान्य है और अब इसके बाद और भी सामान्य हो जाएगी, जो चीजें हैं हम उस पर कार्रवाइयां करेंगे, उसके बाद सब सामान्य। अच्छा सर, परिवार के लोगों का कहना है कि परिवार को एक व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, वो मांग तो उनकी सारी है, हमने कहा है कि सब पे विचार करेंगे और जो जो सबसे पहले जरूरत अभी यह है कि जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो, घटना कम से कम ये पता चले कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसकी जांच भी हो, जो अगर ज्यादती या कहीं पे गलती मिलती है उसमें जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, सबसे पहले प्राथमिकता ये है, उसके बाद मैंने एश्योर किया है कि उनकी सारी मांगों पर हम कार्रवाई करें। तो क्योंकि सर, इसकी जांच के लिए कोई कमेटी गठित की जाएगी क्या? हाँ, उस पर कमेटी गठित की जाएगी जिलाधिकारी के द्वारा, उस पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी की जाएगी और इसमें सारे पहलू को देखा जाएगा, क्यों ये घटना घटी, उसमें कौन दोषी था। उन लोगों ने भी लिख के दिया है कि उस खाद के गड्ढे की जमीन थी, तो खाद के गड्ढे की जमीन पे क्यों इस तरीके का मसला आया, इन सारी चीजों का। सर फिलहाल सर क्या एक्शन लिया गया सर? फिलहाल तो अभी देखिए, अभी पहले पोस्टमार्टम आ जाए, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए जो कल तक आ जाएगी, उसके तत्काल बाद कार्रवाई शुरू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।